और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को निशान को देकर आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। नवादा की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता और देश के सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं नवादा की इस पावन धरती पर पूरे नवादा की ओर से दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने का काम करता हूं। आज यहां पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज नवादा की पावन धरती पर आए हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया, तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने, जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना, तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया आचार संहिता के पहले, और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं, उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम नवादा के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।